अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की? उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज वाला जो ब्लॉग है ना, वो 4-5 दिन का कंबाइंड ब्लॉग है। कुछ रैंडम से क्लिप्स है जो मैंने छोटे छोटे कुछ दिनों में बनाए थे, वो मैंने सारे कंबाइंड कर दिए, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो ब्लॉग्स भी नहीं किए और 4 दिन मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं डाला। इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। ये 4-5 मुहर्रम था उस दिन का ब्लॉग है। ये मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर आई थी, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से मिले नहीं थे, तो हमारा प्लान था कि चलो कहीं बाहर मिल लेंगे और कुछ खा पी लेंगे। और यहाँ पे मैं ये देख रही थी कि इतने सारे दाने कहाँ से आ गए, और अचानक एकदम से रात तक आप ठीक होते हो, जब आप सुबह उठते हो ना, एकदम से दाने ऐसे फूटते हैं ना कि पता नहीं वो कहाँ से आ जाते हैं। वैसे तो मैं ग्लासेस बाहर पहन कर नहीं आती, लेकिन आजकल मेरी आई साइट काफ़ी वीक हो गई है, तो इसलिए मुझे ग्लासेस जो है ना वो लगाने पड़ते हैं। और किसी ने मुझसे पूछा भी था, आप ही आपका नंबर कौन सा? मेरा 2 नंबर है, मेरी दूर की आईसाइट बहुत वीक है, मुझे इतना क्लियर नहीं दिखता, लेकिन मैं फिर भी T2 बहुत कम ऐनक लगाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा, KFC एक ऐसी जगह है जो मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थी। इवन जब हम अपनी यूनिवर्सिटी में थे ना, हम इधर इतना आते थे, इतना हमें खाया है ना, कि हम यही फ्रेंड्स कहते थे कि आधी पॉकेट मनी तो हमारी KFC में लग जाती है। ये बाबा जो है ना KFC वाला, सबको गरीब करके छोड़ेगा। पता नहीं, KFC में ना एक ऐसा नशा है ना कि आप इसे रोज़ भी खा लो ना, आपको रोज़ अच्छा लगता है। जिन लोगों को KFC पसंद है, वो शायद मेरे साथ रिलेट कर लेंगे कि KFC की तो बात ही अलग है। अच्छा, मुझे तो सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि आपको कोई प्लेट्स ग्लासेस वगैरह का वेट नहीं करना पड़ता, डब्बे में आता है, खाओ पियो और उसके बाद चले जाओ। वरना दूसरे रेस्टोरेंट में जाओ ना, पहले आप चीज़ों का वेट करते रहते हैं, वो लगाते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ नहीं होती। मुझे KFC का फ्राइड चिकन बहुत अच्छा लगता है, इसका जो ऊपर वाला क्रस्ट होता है, अंदर से इतना जूसी चिकन होता है ना, मुझे बहुत पसंद है। और अब मैं वॉइस ओवर कर रही थी और मुझे दिल दोबारा कर रहा था KFC खाने को, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं खा सकती, क्योंकि मेरा 1 वीक तक तमाम जंक फूड जो है ना वो सारा बंद है, क्योंकि मेरा स्टमक काफ़ी डाउन हो गया था, तो इस वजह से डॉक्टर ने मेरा सारा जंक फूड और सब कुछ बंद कर दिया, सिंपल गज़ा मुझे अलाउ है। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं यही कह रही थी, काश मैं इसे दोबारा खा सकती, लेकिन सेहत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इंसान जो है ना वो कंप्रोमाइज़ कर ही लेता है, पहले इंसान कहता है हम ठीक हो जाओ, उसके बाद तो सब कुछ खा ही लेंगे। हम कुछ फिर मीठा खाने के लिए स्वीट क्रीम आए थे, और इन सबको आपको बताएं कि जो ये जो ब्लिज़र्ड फ्लेवर्स हैं ना, ये लोटस, ये एक्सट्रीम, ये किटकैट वाले कितने फेमस है। जो लोग इस्लामाबाद और लाहौर में, उन्होंने स्वीट क्रीम को, उन्हें पता होगा कि अपने इन ब्लिज़र्ड फ्लेवर्स के जैसे काफ़ी फेमस हैं। मैं गई थी, अगर यहाँ के मैं मेन्यू कार्ड की तस्वीर लेकर घर जाके अम्मी को दिखाऊँ ना, तो मेरी अम्मी ने जो शेक्स के प्राइस देखने के, 450 का एक शेक का गिलास है, मेरी अम्मा ने कहना इसमें तो पूरा जग घर में बन जाएगा। अच्छा, मैंने ब्लिज़र्ड इनके काफ़ी फेमस है और लोगों को काफ़ी अच्छे लगते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे ये एवरेज लगते हैं। मैंने ये लोटस का फ्लेवर खाया था, लोटस फ्लेवर अच्छा था, लेकिन जिस हिसाब से इनकी प्राइस है ना, 550 का एक कप, उस हिसाब से मुझे इतने पसंद नहीं। अगर आपका कोई ब्लिज़र्ड में फ्लेवर बड़ा फेवरेट हो, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसे नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। अच्छा, ये फिर 7 डे था मुहर्रम का, ये उस दिन का व्लॉग है, और यहाँ पर ये शाम का टाइम था, तकरीबन 4 बजे का टाइम था, और अब्बू अभी भी घर आए थे, तो फिर अब्बू आते हुए ना रास्ते से दही बल्ले लेकर आए थे, क्योंकि हमें दही बल्ले जो बड़े अच्छे लगते हैं, और ये तोशे भी अब्बू लेकर आए थे। अच्छा, मैंने ये फर्स्ट टाइम तोशे खाए हैं और मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, बड़े नरम से गुलाब जामुन टाइप के नहीं होते, उस टाइप के, यानी मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम तोशा खाया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप में से किसी ने खाया है तो बताइएगा आपको पसंद है, यानी ऐसे रहते से पता नहीं, आप कोई बहुत ही सॉफ्ट सी शीरे में डिप की हुई गुलाब जामुन खा रहे हो, यानी काफ़ी अच्छा फ्लेवर है इसका ना, मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। और बस ये शाम का टाइम था, यहाँ पर हम तैयार हो गए थे, क्योंकि हमें तैबू के घर जाना था, क्योंकि उनके घर न्याज बनी थी, देख बनाई थी उन्होंने मुहर्रम की वजह से, तो उन्होंने वहाँ पर इन्वाइट किया था, तो यहाँ पर हम लोग आए हैं।
एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, आगे उसका क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगी। हमारे एरिया में ना 5-6 मुहर्रम के बाद ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, नाकाबंदी होती है, पुलिस की सिक्योरिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे ना 9-10 मुहर्रम को ना तस्बीह दिखाई जाती है। तस्बीह वो जो जिसके कुदाने लाल होते हैं, आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता होगा, लोग सुन्नी हो या अहले तशी हो, सभी तो मन्नत मांगने आते हैं, पूरे मुल्तान में इसी एक जगह पर दिखाई जाती है, तो यहाँ पर काफ़ी रश रहता है। और ये 8 मुहर्रम के रात का टाइम था, रात के 12-1 बजे बज रहे थे जब हम हॉस्पिटल गए थे, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर मुझे ड्रिप लगी थी, जिसके बाद मेरी कंडीशन काफ़ी बेटर है भला अल्हम्दुलिल्लाह से। इसलिए जो लोग पूछ रहे थे आप कहाँ गायब हो गई, तो मैं इसलिए गायब थी क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि पहले मुझे क्या हुआ था, लेकिन ये था फिर 10 मुहर्रम का, क्योंकि 9 मुहर्रम को मैंने कोई भी व्लॉग नहीं किया था रिकॉर्ड, तो ये 10 मुहर्रम का था। और यहाँ पे बस मैंने अभी शावर लिया था, क्योंकि 2 दिन पहले हॉस्पिटल से आए थे ना, तो वो एक अजीब सी वहाँ पे स्मेल सी रहती है, तो इसीलिए। और 2 दिन तो मेरी इतनी बेहोशी वाली हालत थी ना, क्योंकि मेडिसिन वगैरह ले रही थी, उसमें ऑलरेडी इतनी नींद होती है, मुझे होश ही नहीं था। और बस यहाँ पर अभी मैं शावर लेकर आई थी, तो ये मैं सईद गनी का हेयर ग्रोथ वाटर यूज़ कर रही थी। जब आपके बाल 50% ड्राई हो जाते हैं ना, तब आपने अपने स्काल्प पर लगाना होता है। इसका अभी मैं फाइनल रिव्यू नहीं दे रही, अभी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, इसकी हाफ बॉटल हो गई है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी मुझे इसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं दिखा जो ये क्लेम करते हैं हेयर ग्रोथ का। दूसरा, आजकल मैं ये वाली सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, इसका भी मैं रिव्यू दूँगी यूज़ करने के बाद। अभी मैं ये दोनों चीज़ें जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे बस शावर लेने के बाद जो है ना, मैं दोबारा सो गई थी, और अब ये कोई 5 बजे का टाइम था जब मैं उठी थी, और आपको मेरी आंखों से भी लग रहा होगा कि मैं अभी सोकर उठी, जितनी आंखों में अभी भी मेरे नींद है इतना सोने के बाद भी। और यहाँ पे जब मैं उठी थी, बारिश हुई थी। अच्छा, मैंने पहली दफ़ा मुहर्रम में ना, यानी 9-10 मुहर्रम को बारिश होते हुए देखी है, वरना मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी भी मुहर्रम में ना बारिश हुई हो, क्योंकि मुहर्रम में ना काफ़ी गर्मी होती है। आप लोग बताइएगा, शायद किसी को याद हो, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं हुई। और ये रात को जो है ना, मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आई थी कल, जो है वो मेरी तबीयत वगैरह पूछने के लिए आई थी, तो वो आते हुए जो है ना, वो मेरे लिए चीज़ें लेकर आई थी, तो उसे पता है मुझे इस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती हैं और मैं खाती भी हूँ शौक से, तो इसलिए वो फिर मोहब्बत में जो है ना, वो ये चॉकलेट्स, विंग्स का बकेट, ये सिंगल स्टैकर सब ले आई थी, लेकिन मैंने खा नहीं सकती, उसे पता नहीं था कि मैं नहीं खा सकती, तो फिर मैंने कहा कि फाइका और तुम दोनों ना मिलकर खा लो। अगर मैं इसकी वीडियो बना रही थी ना, इसको देख के मेरा बड़ा दिल कर रहा था, लेकिन मैंने फिर भी नहीं खाया। थैंक यू आयशा। अब साथ में गेस्ट वगैरह आ गए थे, चाचू चाची, वैसे ही तबीयत वगैरह पूछने के लिए। ओ, हाँ जी, मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि काफी लोग पूछे थे जब मैंने काफी दिन से व्लॉग नहीं डाला ना, कि आप कहाँ चली गई, खैरियत तो है ना। और जिन जिन लोगों ने दुआ की, उन सबके लिए शुक्रिया। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बहुत 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 ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से। एक्चुअली ये हुआ था, जिस दिन 8 मुहर्रम था ना, उसकी रात के 12-1 बजे का टाइम था, तो मेरे स्टोमिक में ना काफ़ी पेन होने लग गया था, काफ़ी अजीब सी तबीयत होने लग गई थी, तो फिर हम हॉस्पिटल गए थे, तो बस हॉस्पिटल गए, चेक वगैरह किया, तो फिर ड्रिप लग गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह से अब तबीयत जो है काफ़ी बेटर है। थोड़ा सा स्ट्रेस की वजह से भी, कि मुझे ना कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी था, और वो कहते हैं ना, जब एक आपकी मेंटली कुछ वो ना हो, वो हो, आप स्ट्रेस में हो, थोड़ा मेंटली रिलैक्स ना हो, तो अंदर वाला जो आपका सिस्टम होता है ना, वो भी सही तरीके से वर्क नहीं करता है, तो इस वजह से थोड़ी तबीयत ज़्यादा मेरी ख़राब हो गई थी। इसलिए कहते हैं कि इंसान का जो दिमाग है ना, उसे बड़ा पुरसकून रहना चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह से तबीयत जो है वो बहुत बहुत ठीक है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बस यही वजह थी, इसलिए इस महीने जो था मेरे व्लॉग्स काफ़ी कम आए थे, यानी इस महीने मैंने काफ़ी डंडियां मारी हैं व्लॉग्स से। मेरे ख्याल से मैंने इस पूरे महीने में 10-12 कोई व्लॉग्स डाले होंगे, बाकी सारे दिन मैं छुट्टियों पे ही रेस्ट पर ही थी, तो थोड़ा सा एक तबीयत डाउन थी, और थोड़ा कुछ स्ट्रेस की वजह से भी ना इंसान की थोड़ी तबीयत और ख़राब हो जाती है। हर किसी की ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है, ज़रूरी नहीं होता यार जो सामने दिख रहा होता है उसे कोई परेशानी वगैरह नहीं होती, हर किसी की लाइफ में होता है। मेरी तो लाइफ में कई बहुत बड़ी परेशानी है कि मेरे हस्बैंड थोड़े दूर होते हैं, तो मुझे उनकी कमी कुछ ज़्यादा ही फील होती है, और कभी कभार बहुत ज़्यादा फील हो जाती है, तो इंसान बहुत कुछ सोच रहा होता है। लेकिन आप सब अपनी दुआओं में याद रखना, क्योंकि पता नहीं कब किसकी कहाँ दुआ लग जाए, तो दुआ कर दिया करे, बाकी अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे। तो बस इसी वजह से थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, और बस यहीं पे मैं ब्लॉग को एंड करूंगी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा, तो बहुत रैंडम सा ब्लॉग था, कोई 5-6 दिन के मैंने कंबाइन क्लिप्स कर रखे थे जो कि आपने देखे थे, लेकिन इंशाल्लाह कल से कंटिन्यू एक प्रॉपर ब्लॉगिंग दोबारा से स्टार्ट करेंगे। बस तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।